मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 30 अप्रैल 2024, अप्रैल महीने का लास्ट डे। डॉलर इंडेक्स कल के दिन में जो क्लोजिंग दिया है वो है आपका 105.63, करेंटली 105.81। अभी यहाँ पे जो देखने का बात है, कहाँ पे इस जोन पे प्राइस इज कंसोलिडेटिंग। सो यानी क्लैरिटी इज मिसिंग कि मैं अप्रिशिएट करूं या डेप्रिशिएट करूं। दैट बीइंग द केस, हमारे हाथ में एनएपी डेटा के लिए मार्केट इंतजार कर रहे हैं। जो हाथ में डेटा आने वाले है फोर्थ कमिंग डेटा, उसके लिए हमें थोड़ा सा नजर देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखने वाला चीज है, ये कंसोलिडेशन के बाद ये बंदा किधर जाना है, यानी ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, प्रोबेबल सपोर्ट। पहले जो प्रोबेबल सपोर्ट है वो है आपका 105.00 लेवल पे, एंड प्रोबेबल रेजिस्टेंस है आपका 107 से 107.30 लेवल पे। सो ये जोन से निकलने के बाद भी ज्यादा कुछ मोमेंटम का आशा अभी है नहीं। अगर ये ऊपर भी जाते हैं तो रेजिस्टेंस 107 से 107.30, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते कंसोलिडेशन के बाद, सो आपका 105 के आसपास एक सपोर्ट लेने का प्रोबेबिलिटी से। दैट मींस यहाँ पे आने वाले और कुछ सेशंस के लिए इट इज गोइंग टू बी साइडवेज विथ सर्टेन डिग्री ऑफ वॉलेटिलिटी। मींस वन साइडेड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे देखो, ये जो है ये है एक वन साइडेड मोमेंटम। हाँ, बीच में रिट्रेसमेंट्स आ रहे थे लेकिन मोमेंटम था यहाँ पे, जो यहाँ पे हमें एक्सपेक्ट नहीं है क्योंकि इमीडिएटली सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों साइड। कीपिंग दैट इन माइंड, वी विल ट्राई टू चेक द अदर करेंसी पेयर्स। अभी जीबीपी डॉलर, जीबीपी डॉलर कल के दिन में 29 अप्रैल को जो क्लोज दिया हुआ है 1.256, इट्स ए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। सो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कहाँ पे बन रहा है? प्रीवियसली जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद रेजिस्टेंस था, एंड इस रेजिस्टेंस जोन को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ चैलेंज कर रहा है। यानी जीबीपी डॉलर इज चैलेंजिंग दिस रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक रेजिस्टेंस जोन है, वर्टिकली मीन्स इंक्लाइंड वे पे भी एक रेजिस्टेंस जोन है। सो जीबीपी डॉलर को अगर ऊपर में जाना है तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। देन इस ट्रेंड लाइन, इंक्लाइन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर जाने के बाद ही हम कुछ मोमेंटम ऑन जीबीपी डॉलर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टिल इट इज ब्रेकिंग दिस इंक्लाइंड रेजिस्टेंस लाइन, वी नीड टू केयरफुली मॉनिटर द प्राइस एक्शन। अभी आते हैं जीबीपी आयनर। जीबीपी आयनर में क्या हुआ, यहाँ पे प्रीवियसली एक सपोर्ट जोन था जो आपका 12th ऑफ अप्रैल को ब्रेक किया, ब्रेक करके ये आपका 102.65 के तरफ नीचे मार के फिर पुल बैक किया। पुल बैक करके इस लेवल पे जब आया, कौन सा लेवल पे, आपका 104.10 से 104.50 जोन पे। यहाँ पे हमें ये देखना था क्या ये रेजिस्टेंस लेके दोबारा आते हैं या टाइम पास करके ऊपर जाते हैं। दैट वाज आवर लास्ट एनालिसिस ऑन जीबीपी आईएनआर। कल के दिन में हमने क्या देखा, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। जो ये जो रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन था, उसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। ये हो गया एक बार। अभी आते हैं What next के लिए हमें देखना है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को भी ये करेंसी पेयर ब्रेक आउट करना चाहिए प्राइस एक्शन के साथ। यहाँ पे अगर हम आरएसआई देखेंगे, डेली आरएसआई 52.65, दैट मींस 60 के नजदीक एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है। सो जब तक ये ट्रेंड लाइन, इंक्लाइन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ नहीं तोड़ते हैं, वी नीड टू वेट मच। नेक्स्ट इज आवर यूरो डॉलर। यूरो डॉलर कल के दिन में जो क्लोज दिया है एट 1.0720, ये आपका रेजिस्टेंस जोन पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये कंसोलिडेशन जितना ज्यादा करेगा, इसका मतलब है ये इट इज ट्राइंग टू ब्रेक अबोव द रेजिस्टेंस जोन। अगर इसको नीचे आना है तो जल्द से जल्द
आना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है. दैट मीन्स यूरो डॉलर इज ऑल्सो ट्राइंग टू गैदर स्ट्रेंथ टू ब्रेक अबव द रेजिस्टेंस जोन. सिमिलरली आपका यूरो आयनर ये सपोर्ट जोन को तोड़ नहीं पाया था, रेदर सपोर्ट जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है. दैट मीन द केस यहाँ पर भी आपका एक एनर्जी मीन्स गैदर कर रहे हैं तो ब्रेक अबव एंड मूव हायर. अभी डॉलर येन, डॉलर येन में कल क्या देखा हमने, कल हमने ये देखा कि जब ये 160 हिट किया उसके बाद बीओजे गॉट मींस स्टार्टेड इंटरवीनिंग, दे आर नॉट कंफर्टेबल एट 160. सो अभी उसके बाद ये 3.5 बिगी 54.5 5.5 बिगी 5.5 550 पिप्स का एक डाउनवर्ड मूव देखा गया ड्यू टू इंटरवेंशन एंड लेकिन क्लोज हायर दिया हुआ है. क्लोज दिया है आपका कहाँ पे, क्लोज दिया है 156.30 पे. सो देयर बाय इट्स ए स्पिनिंग टॉप कैंडल विथ हाई वॉल्यूम डेफिनेटली. सो ये जो स्पिनिंग टॉप क्या बोलते हैं विथ हाई वॉल्यूम, इट्स हाई एंड लो आर वेरी क्रूशियल. अगर दोबारा आज के दिन में बीओजे इज डिटरमिन्ड टू means stop yen from further depreciation, then they have to bring dollar yen below 154.50. tabhi jaake ye thoda sa halka downward towards 152 hum expect kar sakte. In coming days agar ye high ko todte hain yani 160.21 ke high ke upar se sustain karte hain, again the means yen is expected to move further. Anyway, हमारा जो क्या टारगेट था, हमारा टारगेट था 164. आपको याद होगा, क्या याद होगा, हमने क्या डिस्कस किया था इस लेवल पे जब कंसोलिडेट कर रहा था, कौन सा लेवल पे, बिलो 152 यानी 151.70-90 के बीच में जब नॉनस्टॉप कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे हमने एक वार्निंग सिग्नल दिया था. क्या वार्निंग सिग्नल था कि रेजिस्टेंस लेवल पे आने के बाद अगर इट इज रेस्पेक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस तो ये फर्स्ट मूव आता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट मूव आया नहीं था, काफी कंसोलिडेट किया. मींस बायर्स आर गैदरिंग स्ट्रेंथ टू ब्रेक अबव दैट. ये जब ब्रेक अबव किया उसके बाद हमारा क्या टारगेट था, हमारा टारगेट था 164 का. 152 से 160 8 बिगी मूव हो गया. सो एंड छोटा सा 4 बिगी का ही ऊपर की तरफ मिस है, ये भी आ सकते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशंस कि इस स्पिनिंग टॉप के हाई के ऊपर सस्टेन करना चालू करे प्राइस एक्शंस तो क्या होगा, इट विल चैलेंज द बीओजेस मोटिव, इट विल चैलेंज द बीओजेस इंटेंशन. Then yen INR कल के दिन में हमने देखा अच्छा खासा बाउंस बैक किया ड्यू टू द इंटरवेंशंस फ्रॉम एन इंट्राडे लो ऑफ 52.33. इट मूव्ड हायर टुवर्ड्स 53.86 एंड क्लोज्ड एट 53.37. अभी 53.21 पे ये बिकम्स ए क्रूशियल. यहाँ पे अगर प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो ये तो बाउंस बैक किया, फिर एक डीप मार के डब्ल्यू पैटर्न करना चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है तो. इन केस ये लो को बॉटम को दोबारा चैलेंज करते हैं, इस जोन को अगर दोबारा चैलेंज करते हैं एंड इसके लो के नीचे सस्टेन करते हैं तो हमारा जो टारगेट है कौन सा टारगेट है 0.5050. ये भी काफी नजदीक आ चुका है. ये जब यहाँ पे था तो ब्रेक डाउन किया तो हमारा टारगेट बन गया था 0.5050 ये वाला, उसकी तरफ जाने के लिए फिर तैयारी करेगा. तो हमें देखना क्या यहाँ पे W पैटर्न बन रहे हैं, W पैटर्न में स्विंग हाई बाय ब्रेकआउट कर रहे हैं, इन सच केस फिर दोबारा ये 155 के तरफ 0.55 के तरफ जाने का तैयारी कर रहे हैं. अगर ये दोबारा लो को टेस्ट करते हैं एंड इसके लो के नीचे थोड़े टाइम के लिए सस्टेन करते हैं, इन सच केस क्या होगा, इन सच केस ये 50-50 के तरफ जाने के लिए तैयार होगा. This is our expectations. अभी आते हैं डॉलर कैंडी. डॉलर कैंडी में ये जो आपका 0.3830 का हाई मारा था उसके बाद सपोर्ट लेके ऊपर जाने का एक एक्सपेक्टेशन है. तो यहाँ पे पुलबैक के बाद अगर फिर दोबारा ऊपर की तरफ प्राइस एक्शंस
हायर हाई हायर लो बनाते हैं इन सच ए केस, डॉलर कैंडल ऊपर जाने के लिए तैयार होगा। अभी ये जो प्रोबेबल सपोर्ट लेवल है 36 36 20 का, क्या यह इस लेवल को सपोर्ट लेते हैं, ये हमें देखना है। नेक्स्ट इज ऑसी डॉलर। ऑसी डॉलर में हमारा क्या एक्सपेक्टेशंस था ये लेवल पे, आप हमारा पुराना वीडियो ऑसी डॉलर वाला पार्ट देख लो, यहाँ पे ये क्या था फॉल्स ब्रेकडाउन। फॉल्स ब्रेकडाउन के बाद इसको नीचे की तरफ आना था लेकिन ऊपर आ चुका है, दैट मींस इट इज कंसीडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकडाउन। हाँ, नंबर ऑफ कैंडल्स आर मोर, यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद जो नंबर ऑफ कैंडल्स काफी मोर था, तो ये जैसे इसके हाई के ऊपर चला गया तो आवर टारगेट इज ऑन द हायर साइड, यानी 0.6650 की तरफ। कल के दिन में क्या हाई मारा, कल के दिन में मारा 0.6586, यानी काफी नजदीक है इस लेवल की तरफ। अभी हमें देखना है कि क्या ये जो आज सिंस मॉर्निंग एक नेगेटिव कैंडल बना रहे हैं, आरएसआई इज टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60, इस आरएसआई को 60 के ऊपर ब्रेकआउट करना चाहिए एंड रेड कैंडल को कल के दिन में टुमॉरोज एक्टिविटीज में इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना चाहिए, देन आवर टारगेट ऑफ 0.6650 काफी नजदीक हो सकता है। CNH कल के दिन में CNH काफी appreciate किया from an intraday high of your 7.2650, it traded low of 7.2315 and closed at 7355. अभी किधर है 7.2450, यहाँ पे खतरनाक ये जो consolidation above just which is near to our resistance level of 7.29, अगर 7.29 के ऊपर जाते हैं एंड थोड़े समय के लिए सस्टेन करते हैं अबव 7.29, देन CNH इज प्लानिंग टू मूव फर्दर हायर। CNH इज प्लानिंग टू मूव फर्दर हायर मींस डॉलर रुपी में बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। अभी आते हैं हमारा ब्रेंट क्रूड फ्यूचर। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर जो है वो अभी 88.57, कल के दिन में मॉडरेटली नेगेटिव प्राइस एक्शन हमने देखे हैं। मॉडरेटली प्राइस एक्शंस के बाद ये अभी मॉडरेटली नेगेटिव कैंडल के मींस जहां पे इंट्राडे हाई था 89.85, लो था 88.17 एंड क्लोज एट 88.55। सो अभी हमें देखना क्या है, यहाँ पे दो रेंज है, ये रेंज के ऊपर ये जो अब देखोगे ये वाला रेंज हाई एंड लो का जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, क्या था ये आपका 19th अप्रैल का हाई एंड 22nd अप्रैल का लो, ये दोनों का रेंज इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे तोड़ा लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिला, रेदर ये दोबारा बाउंस बैक करके नीचे की तरफ आ रहा है, दैट बीइंग द केस अगर अभी कीपिंग दिस 89 ये वाला जो हाई है एज ए स्टॉप लॉस, वन में टारगेट द लोअर साइड दैट इज 86.00 की तरफ टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकडाउन वाला सिग्नल है। तो देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज आने वाले दिनों में ब्रेंट क्रूड फ्यूचर में मूव डाउन टुवर्ड्स 86। निगेट कब करेगा, जब ये आपका 27 अप्रैल के हाई के ऊपर सस्टेन करेगा, यानी 89.70 के ऊपर ये जो हमारे कैलकुलेशन है पूरा का पूरा निगेट कर जाएगा। देन इज यूएस 10-ईयर ट्रेजरी 4.971, ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। मे बी एनएफपी डेटा के बाद इस हफ्ता जो दिव है उसके बाद एक मेक और ब्रेक वाला सिनेरियो बन सकते हैं। ये आपका यूएस 2-ईयर ट्रेजरी है एट 4.97। देन 10-ईयर ट्रेजरी ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वहां पे खेल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, यहीं पे प्रॉब्लम्स है। रेजिस्टेंस होता तो शार्पली नीचे की तरफ आना चाहिए था लेकिन शार्पली नीचे की तरफ रिट्रेस नहीं, मींस पुश नहीं कर रहा है फ्रॉम द रेजिस्टेंस लेवल, दैट बीइंग द केस यहां पे मींस इट्स द प्लेयर्स द बायर्स आर लुकिंग फॉर हायर लेवल। सो अभी यहां पे एनर्जी गैदर कर रहे हैं एंड वेटिंग फॉर सर्टेन ट्रिगर्स। अगर एनएफपी डेटा में कुछ नेगेटिव आते हैं मींस जिसके कारण ये फर्दर और हायर जा सकते हैं डॉलर इंडेक्स एज वेल एज रेट्स, क्या होगा हमें एनएफपी नेगेटिव का बात नहीं कर रहा, ऐसा एक डाटा जिसके कारण रेट्स ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज हो, तो ये तोड़ के फोड़ के ऊपर जाने के लिए तैयारी में है। अभी आते हैं हमारे डॉलर रुपी 82.42, ये रेंज के अंदर में ही है, ऑन द हायर साइड 83.50-83.70 एंड ऑन द लोअर साइड आपका 82.80 से 83.00,
ये रेंज के अंदर में ही है until and unless certain some surprises are there. सरप्राइजेस में क्या हो सकता है, एक तो है आपका सीएनएच, सीएनएच अगर 7.29 के ऊपर सस्टेन करते हैं रुपी का हालत, डॉलर इंडेक्स अगर और फर्दर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है. अदर देन दैट हमारा 4 जून का इलेक्शन रिजल्ट जो अभी भी 1 महीना दूर में है, ये फैक्टर्स एंड सर्टेन सम सरप्राइजेस सम सर्टेन सॉर्ट ऑफ इमिनेंट वॉर्स या चाइना अटैकिंग ताइवान मींस पॉसिबल से उस टाइम पे, लेकिन हमारा रूपी के ऊपर काफी प्रेशर गिर सकता है. सो वी नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट. सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना है. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा. इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.